नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कुछ साल पहले दिल्ली में एक मकान खूब चर्चाओं में था, जो केवल 6 गज में बना हुआ था। तब उस मकान को देखकर हर कोई हैरान था और ये सोच रहा था कि आखिर केवल 6 गज में 3 मंजिला मकान कैसे बनाया जा सकता है। तब इस मकान की काफी चर्चा हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के बुराड़ी में बनाए मकान चर्चाओं में है, क्योंकि तब इस मकान के बनाने की चर्चा थी और अब इस मकान के गिराने की चर्चा हो रही है। खबर है कि दिल्ली के बुराड़ी में बनाए चर्चित मकान टूट सकता है। एमसीडी का कहना है कि इस मकान को नियमों के अनदेखी करके बनाया गया है, जिसकी वजह से अब इस मकान पर एमसीडी की नजर है। एमसीडी के अफसरों का कहना है कि कुछ खबरों में हमने उस मकान को देखा है, मकान पूरी तरह से नियम कायदों को तोड़कर बनाया गया है। इसके लिए कम से कम 32 स्क्वायर मीटर जमीन होनी चाहिए थी और ये बना हुआ मकान 6 गज मतलब केवल 5 मीटर में है। इसमें रहने वालों के लिए भी खतरा है, साथ में आसपास में जो मकान बने हैं उनके लिए भी ये मकान खतरा साबित हो सकता है। भविष्य में जब भी कॉलोनी अप्रूव्ड होगी तो ये मकान अप्रूव्ड नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं, अगर वहां रहने वाला कोई शिकायत करता है तो ये मकान टूट भी सकता है। मतलब ये एमसीडी का कहना है, अभी एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वैसे आपको बता दें कि बुराड़ी की जिस कॉलोनी में ये मकान बना हुआ है वो एक कच्ची कॉलोनी है। इस तरह की जमीन पर ऐसे मकान तैयार करना भी गैरकानूनी है। आपको ये भी बता दें कि इस खास मकान को बनाने वाला अब इस इलाके में नहीं रहता है। दरअसल मकान बनाने वाले शख्स का नाम अरुण था, जो मकान के बनने के वक्त इलाके के ही एक ठेकेदार के यहाँ नौकरी किया करता था। मतलब जो बिल्डर होते हैं वो पहले प्लॉट जमीन खरीदते हैं और फिर उसमें प्लॉटिंग करते हैं। इस तरह का एक डीलर था जो जमीन खरीद के और उनमें प्लॉटिंग करता था, और उस प्लॉटिंग करने वाले डीलर के यहाँ पर अरुण काम करता था। उस ठेकेदार का काम इलाके की जमीन की प्लॉटिंग करके उसे बेचना था। जिस जमीन पर ये छोटा सा मकान बना हुआ है वो इस कॉलोनी की गली नंबर 65 के रास्ते के कोने पर बना हुआ है। खबर के मुताबिक जब इस गली का रास्ता बन रहा था तब कोने में 6 गज जमीन बच गई थी और उस जमीन पर अरुण ने ये मकान बना दिया, और अरुण ने ये 6 गज जमीन अपने नाम भी करवा ली थी। तब अरुण ने 6 गज की जमीन पर 3 मंजिल इमारत बनाकर खड़ी करवा दी थी। इस 3 मंजिल इमारत के ग्राउंड फ्लोर से ही पहली मंजिल पर जाने का रास्ता निकलता है, और ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों से सटा एक बाथरूम है। ग्राउंड फ्लोर पर ही इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप पहली मंजिल पर जाएंगे तो एक बेडरूम है छोटा सा, और उसके सटा हुआ एक बाथरूम नजर आएगा। बेडरूम से ही दूसरी मंजिल के लिए जाएंगे तो वहां पर एक छोटा सा आपको किचन नजर आ जाएगा, और यही इस मकान का नक्शा है। और इस मकान के नक्शे को देखकर उस वक्त काफ़ी चर्चा शुरू हुई थी, और अब उसी मकान के नक्शे को लेकर भी दोबारा चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि ये मकान टूट सकता है। नियमों की अनदेखी करने की बात एमसीडी ने कह दी है। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप ये भी बताइए कि दिल्ली का क्या ये अनोखा मकान टूट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। जहाँ 6 गज में पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी हो किसी बिल्डर ने, ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती है। और ये मकान तब जब बना था तब इस मकान की काफ़ी चर्चा हुई थी। तो आपका इस मकान को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।